नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और उड़द की दाल की बड़ी। और इसके लिए जो हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं उसमें ये है, प्याज है 10 से 12 लहसुन की कलियां, एक बड़ा टमाटर है और 3-4 हरी मिर्चें चॉप की हुई। और मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल, हल्दी, जीरा, धनिया और लाल मिर्च और नमक। आइए हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम गैस को ऑन करेंगे, फिर सबसे पहले हम 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। पहले दोस्तों हमें बड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। ये हमारी बढ़िया फ्राई हो रही है। इनको हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब ये बढ़िया रेड हो चुकी हैं। अब हम इनको इसमें से बाहर निकाल लेंगे। अब आप इसका कलर देख सकते हैं, देखिए ये पूरी रेड हो चुकी है, कितना सुंदर कलर आ रहा है। अब इसमें तेल कम हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा और तेल डालेंगे। अब हमने ये और तेल डाल दिया इसमें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे इसमें, जीरा डाल के भूनेंगे इसे। ये 2 प्याज चॉप की थी हमने, ये प्याज डालेंगे। देखो गाइस, मसाला तैयार हो चुका है। हमने इसमें सारा मसाला डाल दिया था, टमाटर, हल्दी, मिर्च, नमक, सारी चीजें डाली थी। अब ये मसाला रेडी है। मसाले में देखो तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। और ये डालेंगे जो फ्राई करी हुई बड़ी। हमने इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, इसको हम थोड़ा रेशेदार बनाएंगे क्योंकि ये सब्जी रेशेदार ज्यादा अच्छी लगती है। अभी हमने इसको चला दिया है, अभी मसाला मिक्स हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको कुकर को 2-3 सीटी आने तक बंद कर देंगे। अब मैंने गैस बंद कर दी है, अब खोल के देखती हूँ।
वाओ क्या खुशबू आ रही है, वाओ। देखिए अब ये सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब ये हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें,